देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ की सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों पे हमला कर रही है वो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, खेत मजदूर संगठनों का प्रदर्शन। खबर बलिया से है, जहां अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, भारतीय खेत मजदूर यूनियन, अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा के बैनर तले राष्ट्रव्यापी आह्वान पर उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन, अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर की जिला कमेटी, जिला बलिया खेत मजदूर मनरेगा मजदूरों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर जबरदस्त प्रदर्शन किया और सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए नारेबाजी की। पहली अगस्त के इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मजदूरों ने अपनी 23 सूत्रीय मांगों वाला महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख मांगों में मनरेगा खेत मजदूर ग्रामीण मजदूरों को वर्ष में 200 दिन काम और 600 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी तय किए जाने, ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार गारंटी योजना लागू की जाए, मजदूरों की 55 वर्ष आयु पूरी होने पर खेत मजदूरों ग्रामीण मजदूरों को 5000 रुपए मासिक पेंशन दिया जाए, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार कानून को सख्ती से लागू किया जाए, बंजर ग्राम समाज व वन विभाग की जमीनों पर बसे हुए गरीब मजदूरों के नाम पट्टा किए जाने, ग्राम समाज व सीलिंग की जमीनों को भूमि माफियाओं से मुक्त कराकर खेत मजदूरों को प्रति परिवार 2 एकड़ भूमि खेती के लिए उपलब्ध कराई जाए, सभी खेत मजदूरों को पक्के आवास हेतु जमीन में शौचालय रसोई घर के साथ ही बस उज्ज्वला योजना से आच्छादित किया जाए, मजदूरों के अनुदान की राशियां को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाए। आज पूरे देश के पैमाने पर खेतों में काम करने वाले मजदूर, जिनका संगठन है खेत मजदूर यूनियन, उसके झंडे तले अपने सवालों को लेकर के जिला मुख्यालयों के पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि मनरेगा की मजदूरी 600 रुपया दिहाड़ी किया जाए और 200 दिनों काम की गारंटी दिया जाए। जो मजदूर 55 साल से अधिक की उम्र का हो गया है उसे 5000 रुपये महीने सरकार की तरफ से पेंशन के रूप में दिया जाए। हमारी यह भी मांग है कि मजदूरों को आवासीय पट्टा और 2 एकड़ जमीन भूमिहीनों में वितरित किया जाए ताकि रोजगार के अवसर को बढ़ाया जा सके। ठीक, 500 जनपदों में ये खेत एवं ग्रामीण मजदूरों का जो मोर्चा है ये लोग आज कर रहे हैं, उसी के तहत ये बलिया जिला मुख्यालय पर ये कर रहे हैं। आज़ादी के 75 साल भी बीत जाने के बाद भूमिहीनों के एक टुकड़ा जमीन नहीं मिला, आवास नहीं है, 5 लाख रुपये आवास की मांग है, जो बुजुर्ग हो गए हैं उनको कोई पेंशन नहीं है, मुश्किल से 500 कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता, बिजली बिल ये योगी जी 20,000-30,000 करके बिजली बिल दिए, जहाँ गरीब को दाल नहीं मिल रहा वहाँ बिजली बिल 20,000-30,000 कैसे देंगे? तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम बिजली बिल नहीं देंगे, ये सारा बिजली बिल माफ़ होना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी इस बात को अगर समझ लें तो ठीक है, नहीं तो इस सवाल पर बड़ा आंदोलन होगा। तो जी सर, बहुत सारी योजनाएं तो मुख्यमंत्री जी ने दी है प्रदेश के किसानों के लिए, बिजली के भी योजनाएँ हैं, बहुत सारे किसान बीमा योजना है, पर आम तरीके की योजनाएँ जो सरकार की हैं तो उससे तो लाभान्वित हो ही रहे किसान। भाषण है मोदी का जोगी क्या, व्यवहार में गरीब बहुत तंग में है, समझ रहे हैं, हालत बहुत खराब है, बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं और मिट्टी तेल भी नहीं है, ये हवा हवाई योजना है उनका, गरीबों की हालत खराब है, हम गांव में जा रहे हैं गरीबों में, सदस्यता अभियान चला रहे हैं, हम लोगों के खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा का 14-15 नवंबर को बंगाल में राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसके तहत गरीबों में जब जा रहे हैं तो कहीं बिजली का सवाल, कहीं आवास का सवाल, कहीं जॉब कार्ड में काम नहीं, राशन नहीं, भयानक धान। मतलब ये प्रदर्शन नहीं, सम्मेलन की तैयारी के लिए किया जा रहा है? ना, ये पूरे देश में सारे मजदूर संगठन एक होकर ये संयुक्त किसान मोर्चा जैसा ये बड़ा गरीबों का मोर्चा बनाने की तैयारी। सरकार तो मनरेगा के थ्रू दे रही है काम मजदूरों को। अरे 100 दिन है उसमें 10 दिन काम मिलता है, 20 दिन फर्जीवाड़ा है, आज के महंगाई में आप 213 क्यों देते हैं, 600 रुपया क्यों नहीं देंगे? हम लोग कह रहे हैं कि ये मजदूरों को कृषि कार्य से जोड़ दिया जाए। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।